लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? हमारी सोच उनसे अलग है। हमने तो सीखा है सार सार को गही रहे, थोथा दे ये उड़ा। खैर उनका क्या होगा इस बारे में कंफ्यूजन है, तो उनको परेशानी होनी बहुत स्वाभाविक थी। जब भ्रष्टाचार की कमाई आनी बंद हो गई तो उनकी बेचैनी बढ़ गई, ये भी साफ है। जब कोर्ट कचहरी में उन्हें भी पेश होना पड़ा तो उनको भी जरा तकलीफ होने लगी है। मैं हैरान हूं यहां ऐसे विषयों को स्पर्श किया गया। आजकल शिव भक्ति की बातें हो रही है, मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। में फिर अपनाया गया, पहले देवगौड़ा जी को, पहले आदरणीय देवगौड़ा जी को अपमानित किया गया और फिर इंद्र कुमार गुजराल जी की बारी आई। क्या देवगौड़ा जी हो, क्या मुलायम सिंह यादव हो, कौन भूल सकता है कांग्रेस ने इन लोगों के साथ क्या किया? अपनी सरकार बचाने के लिए दो बार विश्वास को खरीदने का प्रयास किया, वोट के बदले नोट, ये खेल कौन नहीं जानता? आज यहां एक बार और कही गई, यहां पूछा गया कि प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आग भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, सही, हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आग डाल सके? कोई गरीब माँ का बेटा, पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया है, आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं, आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं है।